फ्रेंड्स, आज हम एक कक्षा 9 के एक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो है। चलिए, प्रश्न है 3 + √11 / √11 - 3 = a + b √11। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर a और b का मान निकालना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी देखा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। हम इस लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करेंगे और राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज को कुछ भी करना नहीं है। आपको इस वैल्यू को इस फॉर्म में लेकर आना है, तभी आप ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकोगे। देखिए, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का सबसे अच्छा और सब आसान तरीका है, इस संख्याओं को ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखा जाता है, लेकिन इनके चिन्हों को बदल दिया जाता है। इसको कहते हैं परिमेयकरण करना। नाउ अगला स्टेप, यहाँ पर आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अपॉन में आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो हमेशा a + b a - b की फॉर्म बनती है। इसका मींस है कि ये हमेशा a + b और a - b की फॉर्म में बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका a + b a - b = a² - b². हमें इसको भी यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, रूट इलेवन हमारा a है, तो रूट इलेवन का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें दोबारा करेंगे। जैसे कि 3 की मल्टीप्लाई रूट इलेवन से करने पर हमें प्राप्त होता है 3√11, और 3 की मल्टीप्लाई फिर 3 से करने पर हमें प्राप्त होगा 3 × 3 = 9। अब यहाँ पर 2√11 को अगर हम इससे मल्टीप्लीकेशन करें, देन हमें प्राप्त होगा 2 × 11, क्योंकि 2 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर अगर कोई डिजिट नहीं होती है तो यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 = 2। एंड √11 √11 का प्रोडक्ट करोगे, देन आपको 11 मिलेगा। यहाँ पर आप इसकी जगह 11 रखोगे, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन अब करना है आपको 3 से, तो 2 × 3 = 6, यहाँ पर √11। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि रूट इलेवन का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 3 में, ये यहाँ पर एक गलत वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, गलत तरीके से गुणा कर देते हैं, जिसके वजह से उनका जो सवाल है वो गलत हो जाता है। आगे करेंगे, √11 = 11 एंड 3 × 3 = 9, √3 11 + 9 + 11 = 22 + 6 √11 / 11 - 2 - 9 - 2। क्लियर? अब इसको हम शुरू करेंगे यहां पर। ये √3 और √6, जस्ट बिकॉज रूट के अंदर संख्या सेम है तो ये यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, और ये नॉर्मल डिजिट्स हैं तो ये भी आपकी प्लस हो जाएगी। यहां पर आएगा 22 and 9 = 31 + 6 and 3 = 9√11। यहां पर बेटा प्लस है, इसलिए
इन प्लस के चिन्हों में कभी भी रूट की वैल्यू को हटाया नहीं जाता। जैसे आप रूट इलेवन को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आधी घात होती है, हाफ पावर होती है, हाफ पावर वन पावर के ये बाहर आ जाती है, बट आप प्लस की कंडीशन में ये वन पावर होकर बाहर नहीं आती, इसलिए अपॉन में टू। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 31/2 प्लस 9√11/2। ये आपका इक्वल किसके है? ये आपका इक्वल है इस a प्लस बी रूट इलेवन के इक्वल है, a प्लस बी रूट इलेवन के इक्वल है। अगर आप यहाँ पर मान निकालना चाहते हो तो आप इसको काट सकते हो और काट के लिखोगे 2 + 2 एक बचा, 2 × 5 = 10 एक बचा और 2 × 5 = 10 मतलब यहाँ पर आ गया 15.5। 2 से इसको डिवाइड किया देन यू विल फाइंड 4.5, देन दिस द वैल्यू 4.5√11 इज इक्वल ए प्लस बी रूट इलेवन के है। अब आपकी ये फॉर्म इस फॉर्म में हो गई है तो आप यहाँ पर इजिली ए और बी का मान बता सकते हो। यहाँ पर ए आपको इंडिकेट करेगा 15.5, सो ए इज वैल्यू इज 15.5 एंड बी जो आपको रूट इलेवन दोनों में है तो उसको रूट इलेवन को नहीं लिखेंगे, जो रूट इलेवन से पहले बी वैल्यू है आपको इसने लिखना है और ये रूट इलेवन से पहले कितना है 4.5। देन द 4.5 इज द वैल्यू ऑफ बी, सो आवर आंसर इज 15.5 एंड 4.5। थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है और आपको अगर अच्छा लगा और आगे ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और अपनी क्यूरीज को आप कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। थैंक यू।